परफेक्ट हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज टुडे। टू बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 इयर्स, बट हु अमंग द फॉलोइंग गॉट अ स्पेशल डिस्पेंसेशन टू प्रैक्टिस लॉ एट द एज ऑफ 18। किन्हें मिली थी स्पेशल डिस्पेंस कर दी थी ये रिक्वायरमेंट? पहला ही क्वेश्चन है। ओके। हाँ जी, एनीवन? बी नान ऑफ प्रभाव? नहीं, ए राम जेठमला। ठीक है जी, हाँ ठीक है, लग गया पता। A nominal sum given as a token that the parties are eager about concluding the sale. Sale से पहले क्या करते हैं? पेमेंट करना। डी या बी? अर्नेस्ट मनी क्या होती है? अर्नेस्ट मनी होती है, ठीक है। दियाना दे देते हैं पहले, बट इसको अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेक्शन 377 आईपीसी नो क्रिमिनलाइजेस कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स ऑफ एडल्ट्स इन प्राइवेट, इट्स वायलेटिव। इसी पे ही दोबारा जजमेंट आई है। कौन सी है जो मैंने उस दिन लिखवाई थी? तो जोसेफ शाइन थी दूसरी। सही वाली जो जजमेंट है इसकी वो कौन सी है जो लेटेस्ट है? यस, नाज फाउंडेशन। सेकंड इज अर्नेस्ट मनी। हाँ जी, फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग रिलिंक्विश द ऑफिस? नाज फाउंडेशन, आर एस पाठक या पाठक। फर्स्ट थोड़ा ना पूछा, उन्होंने पूछा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बन गए थे जज, ये बने थे, इन्होंने फिर अपनी सीट छोड़ दी थी, चीफ जस्टिस थे ये सुप्रीम कोर्ट के। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए थे। एट प्रेजेंट दलबीर भंडारी है वहां पे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड एसेट्स ऑफ इट्स जजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार ऐसा काम, सबसे एडवांस्ड कौन है? ऑप्शंस, केरला। एजुकेशनली, क्रीमी लेयर रूल, मैंने जजमेंट लिखवाई थी आपको, द लैंडमार्क ऑन रिजर्वेशन कौन सी है? इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। चले मैम, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द पेज नंबर। बच्चे आपके पास कौन सी पीडीएफ है ये? मैम, इज इट फ्रॉम अ बुक और पीडीएफ? पीडीएफ जो शेयर की है आपके ग्रुप में। ओके, दैट वन, यहाँ पे लिंक सेंड किया हुआ है ना उसी के पहले। ओके मैम। हाँ जी, द हाई कोर्ट विद द मोस्ट नंबर ऑफ जजेस, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस, अलाहाबाद। वो उसकी है कि ज्यूडिकेचर कितना बड़ा है उनका, ज्यूरिस्डिक्शन, अलाहाबाद।
Who among the following was awarded by the title of living legend of law? Krishna Iyer. Inko mila tha. Nahin, Justice Krishna Iyer. If you want to buy matrimonial peace, just do whatever your wife says. Name the Supreme Court judge. Balakrishna. Nahin. Unke against contempt bhi laga tha. Kaun se hain? Contempt proceedings lagi thi in judges. Justice Karju. Honeybees of Solomon is the autobiography of? Hanji? Katie Thomas. Very good. Katie Thomas. The first chairman of National Human Rights Commission? Very good. Ranganathan Mishra. Ranganathan Mishra. एक मिनट हाँ जी बच्चे क्या कह रहे हैं ऑनलाइन कोई बोल रहा था हाँ जी क्या था सेवेंथ का सेवेंथ इज अलाहाबाद और क्या पूछा है चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी गुड कौन अपॉइंट करता है इंटरनेशनल आर्टिकल क्या प्रेसिडेंट मैं तो 13 क्वेश्चन पूछ रही हूँ इन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच ऑफ फॉलोइंग प्रोक्लेमेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहला पढ़े आंसर Formation of an inquiry commission to probe. No. Second, dissolution of Bihar Assembly. B. Rameshwar Prasad versus Union of India. Rameshwar Prasad versus Union of India. 2006. असेंबली अभी फर्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई थी मीटिंग से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया था तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे आप पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते गवर्नर ने अपनी पावर एक्सरसाइज करके असेंबली डिसॉल्व कर दी थी ठीक है जी इस केस में बोला था कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इंदिरा गांधी मर्डर केस में किसने दी थी आई विटनेस थे वो बेअंत सिंह तो खुद उन्होंने नारायण सिंह आई विटनेस थे बेअंत सिंह एंड सतवंत सिंह उनके खिलाफ वॉन्डरिंग इन मेनी वर्ल्ड्स वेरी गुड In 1979, newspapers published report about under trials. There were many prisoners in Bihar who had spent long years in jail, longer than what they would have spent if they had been punished for the offences for which they were arrested. उतनी तो सजा नहीं थी उस offence की जितनी वो जेल में काट चुके थे. इसके संदर्भ में 1979 में एक report published हुई थी newspaper में. This report prompted an advocate to file a petition. The Supreme Court heard this case. वेरी गुड हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इसी में हेल्ड किया था स्पीडी ट्रायल राइट टू स्पीडी ट्रायल उसके बाद रिलीज भी कर दिए गए थे अकॉर्डिंग टू ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द दिस कोर्ट इज कॉल्ड कौन होता है ग्राम अधिकारी या न्याय अधिकारी न्याय अधिकारी ट्वेंटीएथ एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ रेट्रीब्यूटिव बदला लेना ठीक है वेरी गुड
ऐसे वाओ वेरी गुड ऑसिफिकेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमिन ऑसिफिकेशन बोन्स का टेस्ट होता है बोन से क्या पता चलता है हमें एज एज डिटरमिनेशन क्या ऑप्शन नहीं है क्या मिसप्लेस है मैम इनका देखना जरा पीडीएफ मिसप्लेस है सी रेट्रीब्यूटिव 20th का सी 21st का डी 22nd ए वेरी गुड कॉमन लॉ हमारे टीचर थे उन्होंने अपने एलएलबी टाइम की बात बताई बोलते कि मुझे कॉमन लॉ समझ नहीं आता था क्या होता है मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया वो बोलते हाँ जो कॉमन आम लोग बात करते होंगे वही कॉमन लॉ है उनको ऐसे नहीं पता वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि बच्चों को पता ही नहीं होता कॉमन लॉ किसके कहते हैं कॉमन लॉ If a person goes away secretly or evades the jurisdiction of the court, absconding, legal terms में भी किया हमने. Joint heirs to a property, joint, co-partners. Who among the following was the first president of International Court of Justice? क्या? No. नहीं लीग ऑफ नेशंस के भी वही प्रेसिडेंट थे परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस ए ए ये कहां के थे वेरी गुड फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर हां जी इसी कंट्री ने किया है क्या हाँ तभी IMF ने उन्होंने अर्ज किया है कि इसे लीगल टेंडर हटाओ क्रिप्टोकरेंसी को नहीं इसी के साथ रिलेट करता है क्योंकि ये यहीं से बिलोंग करते थे हाँ जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है हेडक्वार्टर इसके प्लेस कहाँ है कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के नो प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं यूएन के छह हैं पांच का प्लेस न्यूयॉर्क में है सिर्फ यही है जिसका प्लेस नेदरलैंड में है हेग ठीक है तो दिस इज द वन डब्ल्यू एच इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन पहले भी हमने बात की थी इस पे इट इज नॉट प्रिंसिपल ऑर्गन हो सकता है कोई रिलेशन हो बट उससे एस्टैब्लिश नहीं हुए ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटी ए बी सी एल एल पी 2009 तीन ऑप्शन तो आप ही एग्जॉस्ट कर लेते हो है ना इंडियन सिटीजन विद अ वाइफ एंड टू चिल्ड्रन मैरिज अ ब्रिटिश गर्ल इन यूके Can he be tried for adultery? Yes. Or bigamy? No. किसके bigamy? Bigamy है. Okay. तो इसे try कर सकते हैं. हाँ. Good morning आइए. Adultery इसकी कोई husband wife है उसकी wife है जो किसी और के husband के साथ उसका affair है उसको adultery बोलते हैं. Joseph Schein में इसको क्या किया गया decriminalize.
लीगल दिस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, डिवोर्स मिल जाता है पर पनिशमेंट नहीं है. हाँ, जोसेफ शाइन की जजमेंट है 2018. जोसेफ शाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस किया था हमने. वेरी गुड, फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी इस केस के बाद 1951, आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर दी गई थी. द राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, लॉकस्ट एंड आई पढ़ाया था. पेनल्टी फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट एंड बिफोर अदर अथॉरिटीज अमाउंट्स टू 6 months. Which act gives general guidelines on legislative drafting? नहीं, legislative drafting. कैसे, हाँ, General Clauses Act में दिया गया है कैसे किसी legislation को हम draft करते हैं. लेजिस्लेशन होती है कोई एक्ट, कोई लॉ, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है. ठीक है, सारा प्रोसीजर दिया गया है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्दर कॉमन ऑब्जेक्ट. नहीं, एक एक होती है कॉमन इंटेंशन, एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट. 149 आईपीसी, ठीक है, 5 पर्सन से ज्यादा, यहां 2 से ज्यादा. फाइव और मोर देन 5. द परमानेंट इंटरनेशनल, नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. 140 अगर वो थेफ्ट कर रहे हैं, अगर वो है उसमें इंग्रेडिएंट, जरूरी नहीं है जहां 5 से ज्यादा है वहां डेक्विटी लगेगा. कॉमन ऑब्जेक्ट आता है इसमें. अगर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट प्रूव होते हैं कि उसने थेफ्ट या रॉबरी करी है, उसके बाद पता चलेगा कि डेक्विटी है या नहीं. ठीक है, हाँ जी, कॉमन इंटेंशन. द परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बी वहीं से एस्टैब्लिश हो गया था. 35th बताया था, रेस इप्सा लॉकेटर. मैंने बताया था कि यहाँ किसी का मर्डर हो जाए तो सभी बताएंगे, एविडेंस है, कैमरा है. क्या था रेस इप्सा लॉक? देखो, लॉकेटर का हम ले सकते हैं कि बोलने से बी होगा. Things speak for itself. मैंने उसकी एग्जाम्पल भी दी थी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. नेग्लिजेंस में भी आ जाता है, प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करते हैं कि दिख ही गया कि आप नेग्लिजेंट थे, किसी भी पर्पस में हो जाता है. वेरी गुड, क्रूल्टी टू वुमेन बाय हस्बैंड 498 AIPC. याद रखना है क्रूल्टी. एक्सप्लेन करूं क्रूल्टी क्या होती है? ए मतलब उसका 498 एक सेक्शन है, एक 498 A है, तो गलती से ये मत लगा देना. क्लॉज नहीं है, सेपरेट सेक्शन है. Which of the following acts came into force on 2nd October 2009? नहीं, आप ये सोचो 2nd October को क्या होता है? तो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्या है इनमें से? वेरी गुड, क्योंकि वो बोलते थे कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे जस्टिस होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ. द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी वॉज द लॉ मिनिस्टर इन कौन सी सरकार थी तब? नहीं, वाजपेयी जी की सरकार में थी. उबिजस इबिरिमिडियम, एक्सलेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आप बताएंगे, फर्स्ट बेंच आपने पूछा था उस दिन.
तब बोला था तो नहीं है काट दो हमारा, फिर उसके बाद बालाजी जैसे स्टेट में क्या दिक्कत दिख रहा है मुझे स्टेट का, तो इसका बात नो दिक्कत ही न रहा है आपको याद है नहीं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होती है उस पे इक्लिप्स लग जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट प्री आप बताएंगे लास्ट जजमेंट याद थी आपको गुड दिक्कत जी नारायण स्टेट ऑफ एमपी ए लिव्स इक्लिप्स लग जाता है उस पे वॉइड हो जाते हैं वो ठीक है ए लिव्स इन अ डेंस फॉरेस्ट इन एक्स नो नहीं कर सकते क्यों रीजन कारण उनका लाइवलीहुड है कहां से खाएंगे वो फिर यस वाइल्ड एनिमल्स वैसे भी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना हुआ है इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनुअल मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली द मेंबर स्टेट्स कैन हैव हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं फाइव होते हैं Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason why. एक बार चेक कर लेना. In which of the following case the Supreme Court rejected the prayer to broaden the definition of rape, including penile penetration, etc. इसमें बोला था कि कौन सा केस ऐसा है जिसने बोला कि रेप की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दो क्योंकि ये एक एनजीओ है द रूल इन हेडन्स केस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है ये मिसचेफ हाँ जी ये कॉमन लॉ में ओरिजिनेट हुआ था कि पहले हमने देखना कि जो कॉमन लॉ में लॉ है वो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है लोकैलिटी को क्यों हमारे जो लोग हैं उसे सेटिस्फाइड नहीं है उसके बाद हम मिसचेफ फाइंड करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लॉ देयर आफ्टर फॉर्मुलेट करेंगे नया लॉ तो हेडन्स केस आया था जिसमें ये नया प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था मिसचेफ रूल द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एनी गेस कौन से केस में अलाउ किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं ए प्रफुल्ला बी देसाई याद रखना है हाँ जी क्या क्राइम ऑफ अराउजिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट सेडिशन कल मैंने इसका आपको केस लिखवाया था कि इसको स्टे पे कर दिया कौन सा था हाँ जी कौन सा है वो तो सेक्शन है केस कौन सा था जिसमें अबेयंस में डाल दिया कॉपी होगी आपके पास चेक करके बताओ कल लिखवाया था सेडिशन के साथ VOM यूनियन ऑफ इंडिया वेरी गुड Which of the following case आप अपनी नोटबुक वॉम कतरे वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एस वॉम कतरे ये ठीक है वेरी गुड मंडल केस मंडल कमीशन बैठा था असेस करने के लिए कि कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं इसीलिए इसे मंडल केस बोलते हैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं नहीं फर्स्ट हाँ जी फातिमा बीवी तो जज का जज थे ना हाँ ये तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज थे ये तो काट ही दो फिर वो रह गए मुस्लिम ये नहीं है जज थे या चीफ जस्टिस थे
आज तक तो कोई आई नहीं है चीफ जस्टिस फीमेल. मैंने बताया था कौन आएंगे ये भी बताया था, बीवी नागरत्ना. ठीक है, तो ऑप्शन आए चीफ जस्टिस, वो तो काट ही दो, अब तक आई नहीं है कोई भी. ठीक है जी. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं? एक चेयरमैन होता है, एक परमानेंट मेंबर, एक इसका सेक्रेटरी जनरल एंड दो पार्ट टाइम, दो एक्स ऑफिशियो. तो परमानेंट मेंबर कितने होंगे फुल टाइम? एक. फुल टाइम मेंबर पूछा ना, एक अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन, तो एक ही रहेगी. रिलेशनशिप ऑफ वन ऑफ टू पर्सन और थिंग्स टू अदर व्हेन विज़ा विज विस मेजर वर्सेस क्या होता है? रिलेशनशिप है. देखो जैसे हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 19, विज़ा विज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वाइल प्रोटेस्टिंग, तो इसे विज़ा विज बोलते हैं. ठीक है, रिलेशन बात कर रहे हैं. ऑपोजिट ही है आर्टिकल 19, बट ये केस थोड़ी ना है कोई. जैसे हम अपने थीसिस का कोई लिखते हैं टाइटल, उसमें लिखेंगे आर्टिकल 19 विज़ा विज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी. तो ये स्टडी करना है. ठीक है, दोनों का रिलेशन फाइंड करना है. ऑपोजिट है बट रिलेशन फाइंड करना है. नेक्स्ट रेलवे लैंड या गवर्नमेंट लैंड? रेलवे लैंड कौन सा होता है? Why not B? B, public streets. Public streets. Streets. क्योंकि स्ट्रीट्स में ऐसे बिल्कुल स्ट्रीट्स के बाहर ही थे तो उठवा दिए थे कि यहाँ पे नहीं. आप इसको या तो प्रॉपर इसकी फेंसिंग होनी चाहिए जो भी है, पेवमेंट्स पे करो या कैसे है, ये नहीं है कि आप स्ट्रीट के बाहर ही लगे पड़े हो पूजा करने. तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. स्ट्रीट्स का था इसका आंसर. 54 बी कर लो फाइनल. केबीसी है. Good. Who has authority to establish common high courts for state? Constitution पढ़ रहे हो? बताएं. Establish किसने करनी होती है? नहीं, पार्लियामेंट करती है. ठीक है, पार्लियामेंट. An order of the court. Who appoints Chief Justice of India? President. Oath कौन दिलवाता है? President. और President को? Chief Justice of India. ठीक है. Injunction. An order of court directing a person? Injunction. Law Commission recommended including dash as an additional ground for divorce. ये बड़ा important है. मेंटल क्रूल्टी ऑलरेडी है. ये इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहां रिकवरी का कोई पॉसिबल ही नहीं है. दो दिन बाद इतनी बियॉन्ड रिकवरी मैरिज ब्रेक हो चुकी है, तो उसमें कोई रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. वेरी गुड. ट्रेसपास. नेक्स्ट एब इनिशियो. वेरी गुड. माइनर के कॉन्ट्रैक्ट. द डैश लॉ रिलेट्स टू फंक्शंस पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एडमिनिस्ट्रेटर. स्टेट इन विच थिंग्स वर जो पहले थी द स्टेट, उसी स्टेट में ले आना जिसमें थिंग्स पहले थी. स्टेटस को यथास्थिति. कल एक और वर्ड बताया था स्टेटस को, होता है पहले जैसा कर दो.
क्यों वरंट हो, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस. हां जी नेक्स्ट. रॉन्गफुल अजम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बी. Where an act or omission constitutes an offence under two or more enactments, then offender shall be. क्या होगा? बताइए. IPC का IPC क्या? Liable for to be prosecuted both, but cannot be punished for the same offence twice. Corruption Act में भी corruption के charges हैं, IPC में भी लगे हैं. धारा दोनों लगेंगी, but punishment एक ही मिलेगी. ठीक है? लीगल नेम फॉर द. हाँ जी गुडविल. गुडविल ऑफ फॉर्म. ग्रॉस नेग्लिजेंस हाईएस्ट लेवल की. कल्पा लेटा ग्रॉस नेग्लिजेंस. कल्पा लेटा. नेक्स्ट. ये मुझे रिडंडेंट लग रहा है. एट प्रेजेंट चेक हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके. इसमें से तो फिर एट प्रेजेंट देखना पड़ेगा ना. ये देखना पड़ेगा ना. चेक करो एट प्रेजेंट कौन है. नाम पढ़िए. द राइट ऑनरेबल द लॉर्ड रीड ऑफ. इतना तो पूछेंगे नहीं वैसे. Former Supreme Court judge who was once law minister of Kerala. कौन थे? कृष्णा अय्यर कहाँ से थे? कौन से स्टेट से थे? केरला. चेक करो एक बार कहाँ से थे. वैसे इसका आंसर केरला है. लॉ मिनिस्टर केरला के रह चुके हैं. एक पहले भी आया था कि कौन थे वो. राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एबी वाजपेयी. ठीक है. ये हैं कृष्णा अय्यर थे केरल हाई केरल की गवर्नमेंट में. कहाँ के थे बताइए. फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रोट बुक. राम जेठमलानी. आर यू श्योर? बताएं ऑप्शन. दो ही ठीक हो सकते हैं सी या डी. डी. डी है बच्चे. उसका आंसर डी लिखे ना. हां जी कौन सी अमेंडमेंट थी. कल बताया था 86 अमेंडमेंट. के भी ऐड किया गया है 51A में. 86 2003 आई थिंक कल लिख पाया था. नेक्स्ट. लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 1961. वेरी गुड. थ्रेट और फियर ये आया था पहले भी. कॉन्ट्रैक्ट का भी बताया था कि अंडर प्रेशर है फ्रॉड है कोअर्शन. नहीं कॉन्स्पिरेसी तो कंस्पायर करना होता है. ड्यूरेस. National Commission to review the working of the Constitution under chairmanship of
कृष्णा अय्यर नहीं, 50 साल कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन लगे को? आंसर आप बताओगे. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, आप बताओ चेक करके, चेक करो कब बनी थी सुप्रीम कोर्ट. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन 73rd का आंसर बताएं. सेवेंटी फिफ्थ का ठीक बोला जिसने भी बताया. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हाँ जी, 58 में कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो गई थी क्या? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन. हाँ बताइए किसका? वेरी गुड, यही है, डी आंसर है. MN वेंकट चल्या, जो भी है, 50 years. क्योंकि इतना ये तो इजी होता है ना कि कब एस्टैब्लिश हुई थी 50 में, उन्होंने कंस्ट्रक्शन पूछ लिया फिर. ठीक है, हाँ जी. कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है? चेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ओपोजिट पार्टी. वेरी गुड, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको चेयर करते हैं ओपोजिट पार्टी के मेंबर. हाँ, हमने पढ़ा था ना उसमें, किसी में हम रीड कर रहे थे. हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर नो मॉरल फंडामेंटल और लीगल राइट्स और इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन टू गो ऑन स्ट्राइक. नो, कल की थी हमने स्ट्राइक पे जाने वाली जजमेंट्स, कल स्ट्राइक्स वाली की थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्ट्राइक्स पे जाने की जजमेंट लिखी थी हमने. हरीश उपल लिखा था, टीके रंगा राजन, स्टेट ऑफ तमिलनाडु. टीके रंगा राजन, स्टेट ऑफ तमिलनाडु. सीवीसी कौन अपॉइंट करता है? वैसे ये जनरल रूल है, प्रेसिडेंट ही करते हैं जितने भी, जैसे कैग हो गए है ना, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इनको. हमने पढ़ा था उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स वगैरह में. मॉर्गेज इज ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ जी, वेरी गुड. हाँ, प्लेज हाइपोथेकेशन मूवेबल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल डैश जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग. वेरी गुड. मैन इज प्रिज्यूम टू बी डेड. मंथ इज टू बी रेकंड एज पर कौन सा कैलेंडर है? जनरल क्लॉजेस एक्ट. ए या सी? जनरल क्लॉजेज एक्ट कब बना था? पहले का बना हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम का, तो ब्रिटिश कैलेंडर है. कितने हो गए क्वेश्चंस? मैम को कॉल करिए, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, इतनी जल्दी काम कर लिया. चलो एक मिनट, जस्ट वेट, है आपके पास शीट? नहीं है शीट, तो सारी मेरे पास भी है. ये इडियम्स कर लेते हैं. हाँ ठीक है, ऐसे मजा आया ना सारा पढ़ने में. हाँ जी, किसका? एस्पियोनेज, अंडर अ क्लाउड. हेलो मैम, उसके जल्दी खत्म हो गए हैं क्वेश्चन सारे. हाँ जी,
हाँ